हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन प्रिया पावर एजुकेट में आपका स्वागत है। मैंने पिछले लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस में तीन पार्ट का ज्ञान आपको कराया हूं, जिसके माध्यम से आपने बहुत ही कम समय में बहुत सी चीज़ों को सीख लिया है। आज मैं आपको पार्ट फोर के बारे में बताऊंगा, जो उनसे भी महत्वपूर्ण भूमिका एग्जाम में निभाएंगे। आते हैं शॉर्ट बेस में हल करने की बहुत सी विधियाँ सीखते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्ट फोर का, कुछ वस्तुएं x रुपए में खरीदी गई और y, कुछ वस्तुएं x रुपए में y की दर से खरीद कर बाई रुपए की x की दर से बेच दी गई, इस स्थिति में प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, यह आपके सामने प्रश्न होता है। तो यहाँ पर मूल सिद्धांत यह है कि खरीदने वाला जो होता है वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है और बेचने वाला जो होता है विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ हानि का मूल सिद्धांत आपको क्रय और विक्रय मूल्य को ध्यान में रखकर हल किया जाता है। देखते हैं कि इसमें क्रय मूल्य आपका बनता है, जहां पर x वस्तुएं y वस्तुएं x रुपए की y रुपए की बेची जाती हैं, वहां पर एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया जाता है, जिसके माध्यम से लाभ या हानि निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे x रुपए की y की दर से खरीदी गई वस्तुएं, तो यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका होगा जाके x बटे y रुपए, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा जाके y बटे x रुपए। यानी कि यह कुछ वस्तुएं x रुपए की y की दर से खरीदी गई, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा x बटे y, और y रुपए की x की दर से बेच दी गई, तो यानी कि y बटे x ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य हुआ जाते आपका y बटे x माइनस x बटे y। जब इनका लासा लेंगे x y, तब ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और जब इसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे तब होगा जाके y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे x y गुणे 100 बटे होगा जाके आपका क्रय मूल्य, यानी कि x बटे y, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान x स्क्वायर गुणे 100। यानी कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए ये शॉर्ट कट का फार्मूला आपके सामने पेश हो गया। अगर ये प्लस में आता है तो समझ लीजिए लाभ है, और अगर ये माइनस में आता है तो समझ लीजिए हानि है। यानी कि इस फार्मूले को प्लस माइनस के रूप में व्यक्त करेंगे, अगर प्लस आता है तो लाभ है और माइनस आता है तो हानि है। इसी प्रकार से ये समझ में आया कि ये लॉन्ग कट मेथड से फार्मूला तो बना लिया गया, लेकिन इसे शॉर्ट कट के रूप में इसे किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे देख लीजिए। आपके सामने प्रतिशत लाभ बराबर होगा जाके y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान x स्क्वायर गुणे 100, और प्रतिशत हानि बराबर होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर गुणे 100। ये दो फार्मूले
इस रूप में होगा, यहाँ पे लाभ की स्थिति बनेगी जाके ये और हानि की स्थिति बनेगी जाती ये। इसी टर्म्स पर इस सवाल को भी करने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति ने 5 रुपए के 6 की दर से नींबू खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेच दिए, यानी कि मतलब है 5 रुपए के 6 नींबू खरीदे गए हैं और 6 रुपए के 5 नींबू बेच दिए गए हैं। तो इस स्थिति में हर कीमत पर यहाँ पर रुपए की संख्या बड़ी है और संख्या छोटी है, तो यहाँ पर लाभ की स्थिति नजर आ रही है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप देखिए प्रतिशत लाभ बराबर 22² माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर गुणे 100। यानी कि ये फार्मूले को सिर्फ दिमाग में रखना है, यहाँ पर एक्स ये हुआ जाके और वाई ये हुआ जाके, ये एक्स ये वाई, और चूंकि दोनों रिवर्स में चलते हैं इस कारण से यहाँ पर हुआ जाके आपका 6 का वर्ग 36 माइनस 5 का वर्ग 25 बटे 25 और गुणे 100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 11 बटे 25 चौको 100 गुणे 4 बराबर 44% का लाभ हुआ। यानी कि इस सौदेबाजी में 44% का लाभ आपको होता है। मेरा कहने का मतलब है कि यानी कि जब रिवर्स संख्या के रूप में 5 रुपए के 6 की दर से नींबू खरीदे गए और 6 रुपए के 5 की दर से नींबू बेच दिए गए, तब उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। इसी क्रम में आगे आप जब सवालों को करेंगे तो इस फार्मूले को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही ट्रिक बेस पे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब वो इसी को आप अपने मन से जो टेस्ट बुक आप प्रयोग कर रहे हैं उनमें छाटिए और सवाल को लगाइए, आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ती जाएगी। कोई भी समस्या आती है तो आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने जैसे 5 रुपए के 6 की दर से नींबू खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेच दिए, अगर यही सवाल को अपने आगे चल के देखा होगा कि 5 रुपए के 3 रुपए की, यहाँ पर सवाल नंबर 3 को हम उठाते हैं कि एक व्यक्ति ने 3 रुपए के 4 की दर से नींबू खरीद कर 4 रुपए के 3 की दर से बेच दिए, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस प्रकार से आप सवाल आगे करिए, फिर देखते हैं आपकी समस्या आपका समाधान मैं आगे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने देखा है कि संख्या जो थी वो अपोजिट साइड में थी। अब यहाँ पर संख्या अपोजिट ना होके कुछ है, इस कारण से देखिए, एक फल विक्रेता ने 34 रुपए के 8 की दर से सेब खरीदे, यानी कि 34 रुपए के 8 सेब खरीदे और उन्हें देखते हैं सवाल नंबर 3 को। एक फल विक्रेता ने 34 रुपए के 8 की दर से सेब खरीदे, यानी कि यहाँ पर खरीदे शब्द लगा है, इसका मतलब है यहाँ पर क्रय मूल्य, तथा उन्हें 57 रुपए के 12 की दर से बेच दिए, यहाँ पर बेचना लिखा है इस कारण से ये हो गया विक्रय मूल्य। खरीदने का मतलब है कि क्रय मूल्य, बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य। तो 45 रुपए का लाभ कमाने हेतु उसे कितने फल बेचने होंगे, यानी कि
जब पिछले दो सवाल में बता चुके हैं कि जहाँ पर किसी वस्तुओं की संख्या दी जाए तो वहाँ पर एक वस्तु की कीमत निकाल दी जाती है, यानी कि 34 रुपए के 8 सेब खरीदे गए तो एक सेब की कीमत होगी जाके 34/8 यानी कि 17/4, ये आपका बन गया जाके क्रय मूल्य। इसी क्रम में एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए 57/12 के बेच दिए जाते हैं तो ये विक्रय मूल्य बन गया, एक सेब का विक्रय मूल्य बन गया जाके 19/4, ये विक्रय मूल्य बन गया जाके। अब आपको मालूम है यहाँ पर कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 19/4 माइनस 17/4, जब इसे घटाएंगे तब ये 2/4 यानी कि 1/2। इसे शॉर्टकट में लगाने के लिए आपको देखना होगा कि 34/8 यानी कि 17/4 कामा 57/12 यानी कि 19/4, जब इसे सॉल्व करेंगे तो लाभ बराबर होगा जाके 19/4 माइनस 17/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2, यानी कि एक सेब पर उसे 1/2 रुपए का लाभ हो रहा है एक सेब पर। और 45 रुपए लाभ कमाने के लिए 45 में भाग दे दिया 1/2 का, तो सेबों की संख्या निकल आएगी। सेबों की संख्या ये सभी आपको दिमाग के अंतर्गत रखना, यहाँ पर सिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, भाषा शैली का प्रयोग नहीं करेंगे, लिखित रूप में भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। एग्जाम हाल में तो आपको अपने मस्तिष्क में भी उन शब्दों को रखना है, क्योंकि वहाँ पर समय भी बहुत कम होता है और हम लोगों को पेपर यानी कि रफ कार भी बहुत कम मिलता है। इस कारण से वहाँ पर तो इन चीज़ों का तो ध्यान रखना होता है। यहाँ पर प्रैक्टिस करते समय इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर रखते हो स्पीड बनाने के लिए तो ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। देखते हैं सेबों की संख्या, एक सेब पर 1/2 यानी कि 0.5 रुपए का मुनाफा होता है, और जब 45 रुपए का मुनाफा करना है तो हमें 1/2 का भाग देना है 45 × 90, 90 सेबों को बेचना होगा। यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि एक सेब पर आधे रुपए का लाभ हो रहा है, तो 45 रुपए लाभ कमाने के लिए जाहिर सी बात है 90 सेब बेचने होंगे। शॉर्टकट में इसे इसी प्रकार से लगा पाएंगे। अगर आपके कैलकुलेशन अच्छी है और कैलकुलेशन में आप दिलचस्पी रखते हैं तो इसे और भी फास्ट और भी तीव्र गति से लगा सकते हैं। इसको लगाने में 5 से 6 सेकंड का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 5 से 6 सेकंड सवाल पढ़ने में, 5 से 6 सेकंड में सवाल को लगाने में आप देखेंगे आपका 10 से 12 सेकंड में ये सवाल लग के तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4। यदि 1 रुपए की 10 की दर से टॉफी बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ हो तो 1 रुपए की कितनी टॉफियां खरीदी गई, यानी कि सीधी सी बात है। यहाँ पर बेचना शब्द आया है, बेचने से पता चलता है कि ये आपका विक्रय मूल्य है। एक टॉफी का विक्रय मूल्य 1/10 हुआ जाके, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाने के लिए ये पिछली की कक्षाओं में हम बता चुके हैं कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाने के लिए ऊपर 100 रहेगा, नीचे 100 प्लस या माइनस
हिसाब या हंड होता है, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। इस 0 से इस 0, इस 0 से इस 0 को काटेंगे 1/12, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा एक रुपए की 12 टाकियां खरीदी गई। यानी कि ये क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य जब बनाया गया, क्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है कि कितनी टाकियां खरीदी गई। क्रय मूल्य 1 रुपए की 12 टाकियां खरीदी गई होंगी, तभी 1 रुपए की 10 टाकियां बेचने पर 20% का लाभ होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका विलोम सब क्वेश्चन बनता है। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे। यहाँ पे खरीदे शब्द आया, यानी कि ये चीज है आपका क्रय मूल्य। तो एक नींबू का क्रय मूल्य हो जाके 1/6 और गुणे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बनाने के लिए आपको नीचे 100 का भाग देना पड़ेगा और ऊपर 100 में 20 जोड़ेंगे, 120 बटे 100 आएगा। ये 0 × 0 = 6 × 12 = 10, यानी कि 1/5। इसका उत्तर हुआ जाके कि 1 रुपए के 5 की दर से नींबू बेचे गए, ये आंसर पूछा जा रहा था। यानी कि इस दोनों सवालों में से एक सवाल 80% आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इन सवालों में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, और ऐसे सवाल अक्सर परीक्षाओं में दे दिए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 17 गेंदे 720 रुपए में बेचने पर। यहाँ बेचना शब्द आ गया, जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य है। अब 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, नुकसान हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है, इस स्थिति में एक गेंद कितने रुपए खरीदी गई। इसका मूल सिद्धांत समझ लीजिए। सबसे पहले 17 गेंदों का विक्रय मूल्य और माइनस 17 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर 5 गेंदों का क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पर हानि हो रही है। तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य माइनस 17 गेंदों का विक्रय मूल्य बराबर 5 गेंदों का क्रय मूल्य, यानी कि इसका ये मूल सिद्धांत है, जितनी गेंदें या जितनी वस्तुएं बेची जाए, जितना लाभ हानि हो दोनों का अंतर कर दीजिए, 17 गेंदें बेचने पर हानि हो रही है। तो हानि कब होती है, जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो जाए, विक्रय मूल्य छोटा हो जाए तो हानि होती है। यानी कि 17 गेंदें जब बेची जा रहे हैं, 17 गेंदों का क्रय मूल्य माइनस 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, और ये निकल आता है 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर। यानी कि क्रय मूल्य बड़ा है तो क्रय मूल्य ही निकलेगा, विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो विक्रय मूल्य निकलता है यहाँ पर। अब इसे हल कर लेते हैं, यानी कि जब इसे पक्षांतर करेंगे, 5 गेंदें इधर लाएंगे तो 12 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर 17 गेंदों का विक्रय मूल्य, और 17 गेंदों का विक्रय मूल्य है 720 रुपए। अब एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो एक गेंद
बीस बटे बारह पचपन बहत्तर साठ रुपये। 12 से इससे डिवाइड करेंगे तो पचपन बहत्तर साठ रुपये, यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य आया 60 रुपये। इसी प्रकार से जब आगे देखेंगे तो एक गेंद का क्रय मूल्य आया है 60 रुपये। अब देखते हैं एक दुकानदार को 12 केले बेचने पर 4 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक दुकानदार को 12 केले बेचने पर 4 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हो रहा है कितने, जब 12 केले बेचे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए आपको अपोजिट इनवर्स यानी कि विलोम क्रिया को अपनाना होता है। या 12 केले बेचने पर, केले है रुपए नहीं है, यानी कि दाम नहीं है, संख्या है। यहाँ पर एक दुकानदार को 12 केले बेचने पर 4 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 केले जब बेचे जाते हैं तो उसे लाभ होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे शॉर्टकट में प्रयोग करेंगे प्रतिशत लाभ बराबर 4 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 केले जब बेचे जाते हैं, एक दुकानदार को 12 केले बेचने पर 4 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 12 इस प्रकार से देख लीजिए, 12 केलों का विक्रय मूल्य माइनस 12 केलों का क्रय मूल्य बराबर 4 केलों का विक्रय मूल्य। यानी कि मूल सिद्धांत यही याद रखना है आपको। शॉर्टकट में जब इससे 4 गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 8 केलों का विक्रय मूल्य बराबर 12 केलों का क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ की स्थिति में कितने केलों का नुकसान हो रहा है, कितने केले मेरे कम बेच रहे हैं वो फायदे में रहेंगे, यानी कि 8 केले बेचे जा रहे हैं, 12 खरीदे गए तो 12 में से 8 घटा दिया तो 4 आया। और यहाँ पर आपको देखना होगा कि 8 केले का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य ये ना लेके ये लिया जाएगा 8 में गुणे 100, ये 8 और ये हुआ जाके 50। जब इसे कैलकुलेट किया तो 50% का लाभ होगा।